हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक और बहुत ही बेहतरीन चिकन की रेसिपी लेकर आए हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन लबाबदार, जिसकी जो ग्रेवी होती है बहुत ही स्मूथ, सिल्की और शाही ग्रेवी आप इसे बोल सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि इसे हम बिना काजू और बिना खड़े मसालों के बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ हमने लिया है 1 kg जितना चिकन। इसमें आप डालें 1 छोटा चम्मच कुटा हुआ लहसुन यानी कि गार्लिक, थोड़ी सी देगी मिर्च डालें, नमक डालें और 1 बड़ा चम्मच भर के आप इसमें धनिया पाउडर डाल दें। और 200 ग्राम जितना यहाँ पर हमने कर्ड इस्तेमाल किया है मैरिनेशन के लिए, 200 ग्राम जितने कर्ड डालें, 2 चुटकी जितनी हल्दी भी डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स करें और करीब 20 से 25 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें। और अब मसाले की तैयारी करते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमने 3 से 4 प्याज लिए हैं स्लाइसेस में कट करके। कढ़ाई में तेल और बटर डालकर इन प्याज को आपको ब्राउन होने तक पका लेना है, बिल्कुल इस तरह से। और ये देखिए, हमने इसमें काजू नहीं डाला है। बेसिकली क्या होता है कि जो ग्रेवी है उसे थिक करने के लिए काजू का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम इसमें काजू आज ऐड नहीं कर रहे हैं। ठंडा हो जाए प्याज, मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर दें। काफ़ी सारा हरा धनिया, मिर्ची डालकर पेस्ट तैयार कर लें। फ्रेंड्स, अगर आप काजू डालना चाहते हैं तो इस स्टेज पर आप मिक्सर जार में काजू भी डाल दें और इस तरह से पेस्ट तैयार कर लें। सेम कढ़ाई में आप थोड़ा सा ऑयल डालें और साथ में डालें 1 छोटा चम्मच इतना जीरा और 1 तेज़पत्ता। बस इतने ही खड़े मसालों का यूज़ करेंगे। कोई जावित्री, कोई लौंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कोई दालचीनी नहीं। बहुत ही थोड़े मसालों में आज हम ये टेस्टी सा चिकन बनाकर तैयार करेंगे। मसालों में से अच्छी सी महक आने लगे तब आप इसमें डाल दें 2 छोटे चम्मच इतना कुटा हुआ लहसुन और अदरक। कच्ची स्मेल चली जाए लहसुन अदरक की तब आप इसमें डालें 3 टमाटर की। हमने यहाँ पर मिक्सर जार में डालकर प्यूरी बना ली है और टमाटर को आपको तब तक पकाना है जब तक ये उसका जो पानी है वो सारा ख़त्म नहीं हो जाता और ये जो मसाला है वो घीत नहीं छोड़ देता। ये देखिए फ्रेंड्स, टमाटर बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे, देगी मिर्च है, हल्दी है और काली मिर्च है, काफ़ी सारा धनिया पाउडर और नमक। और मसाले डालने के बाद आप 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे पका लीजिएगा। फ्रेंड्स, धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालिएगा। मैं बेसिकली हर रेसिपी में धनिया पाउडर ज़्यादा डालती हूँ ताकि जो ग्रेवी है वो काफ़ी थिक बनती है, मसालेदार बनती है और फ्लेवर तो ऑफ़ कोर्स बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, मसाला अच्छे से कुक हो चुका है। इसमें आप डाल दें मैरिनेट किया हुआ चिकन, ये देखिए। और इस स्टेज पर आपको क्या करना है ना, तेज फ्लेम पर आपको इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है ताकि जो चिकन है वो काफ़ी जूसी और टेंडर बनकर तैयार होगा, अंदर से बिल्कुल ड्राई नहीं होगा और ये जो दही है और ये जो चिकन है अपना पानी रिलीज़ करेगा। तो आप इसी पानी में 5 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पर पका लें। उसके बाद आप गैस की फ्लेम को लो कर दें और ढक कर करीब 7 से 8 मिनट के लिए पकाएँ। 7 से 8 मिनट के बाद आप देखिए जो कलर है ग्रेवी का बहुत ही बढ़िया आ गया है और ये जो चिकन है ये हमारा 80-85% कुक हो चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे जो तैयार पेस्ट है, मिर्च का, हरा धनिया और प्याज, और इसे अच्छे से डालकर मिक्स कर लें इस तरह से। और बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी है और कोई बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल हमने इसमें नहीं किया है। और यहाँ पर आप डाल दें करीब 2 बड़े चम्मच इतना कर्ड। कर्ड डालने से एक स्मूथ, सिल्की और क्रीमी टेक्सचर मिलता है चिकन को और जो चिकन है वो ड्राई नहीं बनता है, टेंगीनेस भी आ जाती है इसके अंदर ग्रेवी में। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया, एकदम मुगलई जो हमारी चिकन की रेसिपी बनने जा रही है। इसे ढककर आप करीब 3 से 4 मिनट के लिए और पकाएं। 3 से 4 मिनट के बाद आप देखेंगे जो चिकन है काफ़ी अच्छे से पक चुका है, ऑलमोस्ट डन है। और अब इसको हम फाइनल टच देंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, इसके साथ जो भुनी हुई कसूरी मेथी आती है बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, वो आप डाल दीजिएगा। और सबसे लास्ट में आप डालें घर की जो मलाई आती है ना, 2 चम्मच आप इसमें मलाई डाल दें। घर की मलाई नहीं है तो आप बाज़ार की अमूल क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे अच्छे से आप मिक्स कर लें। और ये जो हमने लास्ट में मेथी और मलाई ऐड किया ना, बस इसी का फ्लेवर आने वाला है और जो ग्रेवी है बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। मलाई डालने के बाद करीब आपको इसे आधे मिनट के लिए पकाना है और इसमें आप फिर से डाल दें काफ़ी सारा हरा धनिया।
और हरा धनिया तो सब्जियों की जान होता है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है हरे धनिए का। और ये देखिए चिकन लबाबदार बनकर तैयार है। अब आपको क्या करना है, इसे यूं ही गैस की फ्लेम बंद कर दें और ढककर 5 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद आप ग्रेवी का कलर देखिएगा, ये देखिए ढककर 5 मिनट रखने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया टेक्स्चर, कलर और ग्रेवी आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार है, बिल्कुल स्मूथ है, क्रीमी है, मतलब सिमिलर टू बटर चिकन होता है लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है। तो बिना काजू के, बिना खड़े जो गरम मसाले आते हैं उनके, हमने आज ये बहुत टेस्टी सा चिकन लबाबदार बनाकर तैयार किया है। गार्निश कर दें आप इसे हरे धनिए के साथ, थोड़ी सी क्रीम डाल दें ऊपर से या घर की मलाई, और गर्मा गर्म आप इसे लच्छा पराठा है, बटर नान है, फुलके के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको हमारी आज की ये टेस्टी सी क्रीमी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।